आ जाओ। तो डिसीजन मेकिंग चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो भी पॉइंट्स है ना, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में सभी से क्वेश्चंस एकदम मैच करेगा ही करेगा। तो पहला पॉइंट पे आते हैं। चलो कुमकुम बेटा पहला पॉइंट पढ़ो तू। वेरी गुड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अकॉर्डिंग टू हूम, ऑप्शन में अलग अलग नाम लिख देगा कि डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। मतलब डिसीजन मेकिंग करना, फैसला लेना एक तरह से क्राइटेरिया को सेलेक्ट करने पर है, और बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना एक डिसीजन मेकिंग है। तो अकॉर्डिंग टू हूम ऑप्शन में क्या टिक करोगे? जॉर्ज टेलर, ठीक है। तो लिखोगे ऑप्शन में टिक कर देना ए बी सी जो भी हो। तो अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी डिसीजन मेकिंग मतलब हुआ क्या करना, बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना। चलो दूसरा डिसीजन मेकिंग, अगर कोई आपसे पूछ दे कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स, बहुत सारे विकल्पों में जब हम कोई बेस्ट विकल्प खोजते हैं ढूंढते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, तो क्या कहिएगा? डिसीजन। चले आगे। वेरी गुड। तो जॉर्ज टेरी ने क्या बोला है, डिसीजन मेकिंग क्या है, दो या दो से ज्यादा विकल्प के बीच जब हम एक बेस्ट विकल्प को ढूंढते हैं यही है डिसीजन मेकिंग। अगला पॉइंट क्या बोले? देखिए अलाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड हैज अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। सुनिए एग्जाम में कैसे पूछा गया था ये क्वेश्चन। कहा गया था कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिंपलेस्ट फॉर्म है जहां अथॉरिटी है डिसीजन लेने का। हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद है हम लोग डिपार्टमेंट वाइज तोड़ देते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस। दोस्त मार्केटिंग का डिसीजन मार्केटिंग डिपार्टमेंट लेगी ना, सेल्स का डिसीजन सेल्स डिपार्टमेंट लेगी ना, बोलो। प्रोडक्शन का डिसीजन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेगी ना। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम हर एक को अथॉरिटी दे देते हैं, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझे? याद करो ना 12th का बिजनेस स्टडीज ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में तुम पढ़े थे, हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ देते हैं ना अलग अलग डिविजन्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं जी? याद आ रहा है? तो बोलो हर डिपार्टमेंट डिसीजन लेती है कि नहीं? सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स का लेती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजन लेती है ना भैया। चले आगे। प्रोग्राम डिसीजन कौन लेगा? हाँ जी, वेरी गुड। हर्बर्ट साइमन ने क्या किया? हर्बर्ट साइमन के एक और पॉइंट आपको पढ़ाए थे, इन्होंने डिसीजन मेकिंग को किससे कनेक्ट किया? मैनेजमेंट से। भूल गए? अरे दोस्त वीवीआई क्वेश्चन है, हम आपको शुरू से कह रहे हैं आपको इन सभी पॉइंट से क्वेश्चन लड़ेगा। ये देखो हर्बर्ट साइमन कहाँ गए, हरविक पॉइंट नंबर 9 में देखो ये पूछा जा चुका है कि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग से किसने इक्वेट किया। हाँ लो फिर एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आ ही गया था। हाँ कहाँ थे हम लोग? चलें। हाँ तो डिसीजन इनटू द प्रोग्राम डिसीजन इनटू प्रोग्राम डिसीजन एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन। मतलब दोस्त कि प्रोग्राम डिसीजन के अंदर ही नॉन प्रोग्राम डिसीजन ली जाती है। इस मेथड को किसने अडॉप्ट किया? हर्बर्ट साइमन। प्रोग्राम डिसीजन रेफर्स टू एंड रूल्स, टैक्टिकल डिसीजंस क्यों लिया जाता है? ताकि स्ट्रैटेजिक डिसीजन को इंप्लीमेंट किया जा सके, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन आर नोन एज टैक्टिकल डिसीजन। पूछा जा चुका है, कोई दिक्कत? आ जाओ, थोड़ा सा टॉपिक और छूट गया है। हाँ
ये तो अभी हम लोग चलो, तो पर्ट और सीपीएम में क्या डिफरेंस है एक बार खुद से तुम लोग देखो जल्दी से, देखो याद आ जाएगा हम आपको जब पढ़ाए थे। याद आया कुछ? देखो वहां से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। सोनाली देख रही हो स्क्रीन पर? चलो बताओ तो इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव बनने लायक है? आगे बढ़े छोड़ दें, ये मैंने आपको पढ़ाया है थोड़ा देखता है, है ना? याद है कुछ क्या बताए थे? ट्रायल और एरर था, है ना? एक बार रीड कीजिए, देखिए आपको वही जवाब मिलेगा। अब यही पढ़ाया था ना थोड़ा देर पहले। चल जाइए, तो गेम थ्योरी याद हो गया, समझ में आ गया, सिमुलेशन सीपीएम याद रहेगा, बट चलो दोस्त ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन आते हैं, ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स। चलो अब एकदम से 2 मिनट लगेगा, इसको क्विक रिकैप करो और क्लास एंड करो। जॉर्ज टेरी ने क्या क्या बोला? वेरी गुड, ठीक है। और जल्दी पॉइंट 2, बेस्ट अल्टरनेटिव के सिलेक्शन और डिसीजन मेकिंग कहते हैं। जॉर्ज टेरी ने क्या बोला? डिफरेंट अल्टरनेटिव में जब हम बेस्ट अल्टरनेटिव निकालते हैं इसे डिसीजन मेकिंग कहते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिसीजन मेकिंग को सिंपलेस्ट फॉर्म पे तोड़ा जाता है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन। प्रोग्राम डिसीजन कौन लेती है? हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन इनटू प्रोग्राम डिसीजन एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस को एडॉप्ट करने के बारे में किसने बताया? हर्बर्ट साइमन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन इज नोन एज, चलिए कोई दिक्कत? ओके, रिविजन एंड करें, ले लीजिए।